गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? यस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिवीजन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यस, आवाज आ रही है आपको स्टूडेंट्स? हेलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? तो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को किस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं? दिस सिस्टमेटिक अप्रोच और एप्लीकेशंस वेयर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मेथड्स नॉलेज मेथड एंड एक्सपीरियंस टू द डिजाइन। What we are doing, software engineering is the systematic approach, or it is the applications of scientific and technical knowledge, methods and experience to the design, implementation, testing and documentation of software. So, what? क्या हम कर रहे हैं इसके अंदर? Designing कर रहे हैं, documentation कर रहे हैं, implementation कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देख रहे हैं। सेकेंड डेफिनेशन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टमेटिक डिसिप्लिन क्वांटिफिएबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट वेयर व्हाट वी आर डूइंग इन द ऑपरेशंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। सो अगर हम यहाँ यहाँ से देखें इसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज So, software engineering is the practical application of scientific knowledge in the design and the construction of program and associate documentation required. So, according to the one software, it is a commercial product called engineering approach to ensure. So, software engineering को IEEE के डिफाइन कर रहे हैं। वाइट ट्रिपली भी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस व्हिच इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज प्रैक्टिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट पीपल यूज टू डेवलप एंड मेंटेन। मींस सॉफ्टवेयर इज द एसोसिएट प्रोडक्ट। सो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग डॉक्यूमेंटेशन कोडिंग कोडिंग टेस्ट केसेस एंड यू कैन डू मैनुअली। तो इसके थ्रू भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को अगर हमें डिफाइन और भी तरीके से करना है तो हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सो दिस इज नॉट सफिशिएंट डेफिनेशन। सो इट विल बी अगेन प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं आपके? कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ये, और इसको हम जब डिफाइन करेंगे तो दैट माइन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम डिजायर्ड फीचर्स फंक्शन एंड परफॉर्मेंस। सो अगर हमें इसको सेकंड कॉम्बिनेशन बनाना है सॉफ्टवेयर में, तो डेटा स्ट्रक्चर दैट इनेबल द प्रोग्राम एंड एडिक्वेटली मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। सो होल थिंग विल मेक द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो इट विल बी इंस्ट्रक्शंस, इट विल बी द पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इट विल द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इंस्ट्रक्शंस क्या है आपकी? डेट प्रोग्राम चाहिए एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इनेबल द प्रोग्राम टू एजुकेटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कब बनती है आपकी? जब कोई मीनिंग निकलती है। इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज में लेंगे तो डेटा को किस तरीके से हम दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। दैट डिस्क्राइब, अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट लेना है इसके अंदर, तो दैट डिस्क्राइब द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर? सो देयर आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक अंडरस्टैंडेबिलिटी विजिबिलिटी रॉबस्टनेस एक्सेप्टेबिलिटी एंड सपोर्टेबिलिटी।
यार सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट इज द प्रोसेस एक्सप्लिसिट डिफाइंड एंड हाउ इजी इट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, मीन्स इट इज वेरी इजी टू यूज, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू यूजर्स एंड डिफाइन एंड हाउ इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, व्हाट द प्रोसेस आर गोइंग, विजिबिलिटी टू द प्रोसेस एक्टिविटी। Process activity, so results show that the progress of process is visible. This will be defined as a visibility, and again, robustness. The process continues in spite of unexpected problems. Then acceptability will be the process acceptable to and usable by engineers responsible for producing software products. So supportability, to what extent is to support the process activity. So these are the characteristics of the software. And again, so what is the engineering? Engineering is all about developing products using well-defined scientific principles and methods. So हम use में ले रहे हैं कि software engineering, तो software क्या हो गया हमारा? Documentation part हो गया, data structure part हो गया हमारा। ये इससे पहले जो हमने definition देखी थी, इसमें डेटा स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन दैट विल मेक द सॉफ्टवेयर। अगेन हम देखेंगे सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, अंडरस्टैंडेबिलिटी, विजिबिलिटी, रोबस्टनेस, एक्सेप्टेबिलिटी एंड सपोर्टेबिलिटी। अगेन अगर हम यहाँ देखेंगे कि इंजीनियरिंग क्या है, तो इंजीनियरिंग को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग इज ऑल डेवलपिंग प्रोडक्ट्स यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड। Next again, we can define software engineering as an engineering branch associated with the development of software products using well-defined scientific principles, methods, and processes. So these are the two parts which are software plus engineering. Software is a different, but engineering is very different. अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर के केस में हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या? बेसिकली आपकी कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, या हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस विच आर हैविंग द एसोसिएट विद द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड प्रोसेस। सो दीज आर द लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो इट इज द टूल्स मेथड प्रोसेस एंड क्वालिटी। Process model. So the generic process center which are having the five activities: communication, planning, modeling, construction, and deployment. So communication, कैसे यूज में लेते हैं? Yes, friends. Hello. आवाज आ रही है आपको मेरी? Hello. Are you hearing me? Now we are going to various process models. So यहाँ पर हम most important things है ये कि software development life cycle हम क्यों शुरू करते हैं, तो उसके थ्रू ही हम process model को यूज कर रहे हैं। Software development life cycle is an abstract presentation of graphical development and evolution of the software. So these are the sequential or concurrent step of the software development. ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस मॉडल को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एस डब्ल्यू डी एल सी। तो हाउ द सिंगल प्रोसेस वर्क वेल फॉर एवरी प्रोजेक्ट, ईच प्रोसेस वर्क बेस्ट इन सर्टेन। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडल्स विच
चार वाटरफॉल मॉडल्स एंड अगेन डेवलपमेंट मॉडल, फॉर्मल सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल, ग्रीन बेस्ड कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पायरल मॉडल, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं इनके थ्रू हम क्या करते हैं डेवलपमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की फेजेज होती हैं वो सभी की कॉमन होती है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, व्हिच आर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट, सेकेंड डिजाइनिंग पार्ट, थर्ड कोडिंग पार्ट, मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग, और यू कैन से इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऑल्सो। और मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग में हम सेपरेट सेपरेट टेस्टिंग में करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में हम कंबाइंड टेस्टिंग करते हैं, मॉड्यूल को सभी को मिला के करते हैं। नेक्स्ट टेस्टिंग, इसके बाद हम आते हैं डिलीवरी एंड में तो दीज आर द फेजेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। जब भी हम डेवलपमेंट प्रोसेस में लेते हैं तो ये हम फेजेज हम बीच में लेते हैं सॉफ्टवेयर को बढ़ाने के लिए। हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, हमारे पास डिजाइनिंग फेज है इसका, या है कोडिंग, अगेन मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, उसके बाद हम क्या यूज करते हैं आपकी। तो टाइप ऑफ एच डी एल सी, एच डी एल सी स्टैंड करता है आपका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और एच डी एल एच डब्ल्यू डी एल सी करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो दिस इज द वाटरफॉल मॉडल, इज द प्रोटोटाइप मॉडल, स्पायरल मॉडल, एडवांसमेंट डेवलपमेंट मॉडल, इटरेटिव एडवांसमेंट मॉडल, तो इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यहाँ आते हैं वाटरफॉल मॉडल को, अगर हम देखें कि वाटरफॉल मॉडल के थ्रू हम कैसे करते हैं, तो वाटरफॉल मॉडल में हम किस तरीके से स्टडी करते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आपके आई आई टी के एग्जाम में भी एग्जाम टाइम पूछा जाता है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस मॉडल विच हैज डोमिनेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर ए नंबर ऑफ, इट इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस दैट सेंटर्स अराउंड प्लान वर्क एंड बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आवर रिक्वायरमेंट विल बी वेल मैनर्ड एंड क्लियरली डिफाइंड। तो ये हमारी क्या है, जब भी हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेते हैं तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या आती है, बिल्कुल क्लियर या वेल डिफाइंड मैनर में आती है। इसके अंदर वाटरफॉल मॉडल इज एन इंजीनियरिंग मॉडल डिजाइन टू बी अप्लाइड टू डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द सिस्टम लेवल एंड डेवलप स्टेप बाई स्टेप। अब फेजेज में आपकी कौन कौन सी फेजेज आएंगी, वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, डिजाइनिंग फेज, कोडिंग फेज, उसके बाद आपकी टेस्टिंग, मॉड्यूल लेवल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मेंटेनेंस या मेंटेनेंस डिलीवरी और मेंटेनेंस, ये तीन हो चुके हैं एग्जाम। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्लासिकल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल और लीनियर सेगमेंट, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज क्लासिकल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल और लीनियर सेगमेंट। दे आर डिफरेंट स्टेज स्टेज टू द डेवलपमेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज, सो दिस इज नोन एज ए सिक्वेंशियल मॉडल। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसकी जो फर्स्ट स्टेज में शुरू हो रहा है नेक्स्ट स्टेज में आगे होना, ये क्या है हम किस तरीके से कर रहे हैं, इसको जो हमारे आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज नेक्स्ट स्टेज यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज में जो आउटपुट मिल रहा है वो अगेन एंड अगेन ऐसे हमारा क्या है, इसको फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो सेकेंड स्टेज के लिए का काम। सो इट फोर्स ऑन सिक्वेंशियल फेज डेवलपमेंट, नो फेज कैन ओवरलैप। अब यहाँ पर हम आते हैं, ईच फेज ऑफ दिस मॉडल इज वेल डिफाइंड, ईच फेज ऑफ दिस मॉडल इज वेल डिफाइंड of this model is well defined, distinct and ending criteria.
जेंडर आउटपुट प्रोड्यूसर इज प्लेस फॉर मेन फॉर मेन। अब इसका क्या फायदा है पीजी का वाटरफॉल मॉडल? वाटरफॉल मॉडल के अंदर जो पीजी यूज कर रहा है यहां पर हमारा क्या है कम्युनिकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं इंक्लूड प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। यहां पर हम क्या करते हैं इनिशिएशन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग कलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद प्लानिंग इंक्लूड एस्टिमेटिंग शेड्यूलिंग एंड ट्रैकिंग। यहाँ हम ये प्लानिंग के यूज में ले रहे हैं एस्टिमेट कर रहे हैं उसके लिए कि हमारी कॉस्ट क्या होगी हमारा शेड्यूल टाइमिंग क्या होगा ट्रैकिंग एक्टिविटी क्या रहेगी। तो अगेन मॉडलिंग के लिए हम इंक्लूड एनालिसिस एंड डिजाइन कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या यूज में ले रहे हैं इंक्लूड कोडिंग एंड टेस्टिंग एक्टिविटी। व्हेनेवर वी हैव टू मेक द सॉफ्टवेयर एंड डिप्लॉयमेंट इंडियन यूज में ले रहे हैं प्रोडक्ट डिलीवरी सपोर्ट और फीडबैक नॉट यूजर फीडबैक भी हम फॉर्मल ड्यूटी हो गया आपका टेक्निकल ड्यूटी हो गया वो सारी एक्टिविटीज भी और प्रोसेस भी हो। इसके बाद हम यहाँ देखिए इसका जो हमारा मेनली जो वर्क है वाटरफॉल मॉडल में जेनरिक वाटरफॉल मॉडल के बारे में करते हैं किसी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ट्रैकिंग प्लानिंग एस्टिमेशन शेड्यूलिंग ट्रैकिंग इसका यूज करना है आपका वाटरफॉल मॉडल। अगेन यहाँ पर हम मॉडलिंग के लिए हम दे रहे हैं एनालिसिस डिजाइन कंस्ट्रक्शन कोड एंड डिप्लॉयमेंट के लिए हम दे रहे हैं डिलीवरी सपोर्ट एंड फीडबैक। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फेजेज होती हैं इसकी उसके लिए हम कंसेप्ट फॉर्मेशन यूज में लेते हैं डेवलपमेंट द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन कोडिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये हम इसमें जो प्रॉब्लम डेफिनेशन होती है हमारी डिवाइड कर दिया इसमें टू फेजेस में जो सबसे पहली फेजेस की प्रॉब्लम डेफिनेशन है अदर वन इज द फिजिबल स्टेट। प्रॉब्लम डेफिनेशन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज प्रॉब्लम डेफिनेशन टू प्रोवाइड अ ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट और व्हाट द यूजर एक्सपेक्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और सॉफ्टवेयर से क्या मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज नीड टू रिक्वायरमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ यूजर। तो यूजर की जब रिक्वायरमेंट हमें पता लग जाएंगी प्रॉब्लम पता लग जाएगी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम क्या है तो हम उसको क्या है सॉल्यूशन दें। तो एडिशनली दिस पेज ऑल्सो सेट द प्रोजेक्ट स्कोप टू डिफाइन व्हाट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर चेंज एंड व्हाट पार्ट टू रिमेन पार्ट में हमें चेंजेस करना है और किस पार्ट में हमें क्या करना है तो इसके बाद हम आते हैं फिजिबल स्टडी। फिजिबल स्टडी करते समय हम क्या करते हैं फिजिबल स्टडी में फिजिबल स्टडी कोई वन और मोर कंसेप्चुअल सॉल्यूशन प्रॉब्लम दैट्स व्हाट इसके लिए हम क्या करते हैं यूजर रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू सिस्टम फर्स्ट प्रपोज बिजनेस सोल्यूशन एंड एनी न्यू और चेंज बिजनेस प्रोसेस थर्ड इज व्हाट इज अवर गोल तो हमारा प्रोजेक्ट का गोल क्या है व्हाट इज अवर स्कोप प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट की टर्म्स में अगर हम बात करें हमारे गोल क्या है स्कोप क्या है ये हम बताते हैं। ये हमारी फिजिबल स्टडी में हम देखते हैं कि हमें चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे हमारा वो टाइमिंग शेड्यूलिंग टाइम हो उसकी हमें पहले पता होना चाहिए कि हाउ मच टाइम हाउ मच कॉस्ट विल मेक द प्रोजेक्ट। सो ये हम क्या करते हैं जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है कंप्लीशन टाइम है जो कंप्लीट होने का शो का वो भी हमें क्या है एक नॉर्मली वी हैव टू स्टेट अमाउंट। इसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर की इसमें वाटरफॉल मॉडल की क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दिस इज द इक्विटी वाटरफॉल मॉडल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सिस्टम डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग ऑपरेशन एंड सो दीज आर द इटरेटिव मींस अगर आपकी फर्स्ट फेज सेकंड फेज से कनेक्ट है सेकंड फेज थर्ड फेज से कनेक्ट है देन जो फाइनल फेज है वो दोबारा से हम क्या करेंगे तो हम इसमें रिव्यू करेंगे अगर हम कोई भी चीज चेंजेस करते हैं
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक फेज चेंजेस करनी पड़ेगी। तो वाटरफॉल मॉडल की जो हम एडवांटेज देखेंगे वो ये है कि द मॉडल हैज वेल डिफाइंड फेजेस, तो वेल डिफाइंड आउटपुट, वेल डिफाइंड फेजेस में और वेल डिफाइंड आउटपुट तो वाटरफॉल मॉडल रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज दैट शैल रिजल्ट इन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो इसमें भी हम इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाटरफॉल मॉडल को हमने क्या किया कि इट विल रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज दैट शैल रिजल्ट इन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। डिसएडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, तो डिसएडवांटेज क्या है इसके, जनरली यूजर डोंट यूज दिस मॉडल बिकॉज इट टेक्स टाइम। तो यूजर्स क्या है, बहुत ज़्यादा इसको यूज में नहीं लेते बिकॉज इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि जब हम ये सिक्वेंशियल अटैच है एक फेज से दूसरे फेज से कनेक्ट है, तो जब भी हम किसी एक फेज में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल सारी फेजेस का ये हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेंशन ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द तो अगेन दिस थिंग इज अ वेरी गुड बट टाइम टेकन प्रोसेस एंड ऑल्सो द डिसएडवांटेज को इनिशियल वे इनिशियल टाइम वी डोंट वेट कभी भी एक साथ उन सारी रिक्वायरमेंट को नहीं बता सकते। कस्टमर मस्ट हैव पेशेंस बिकॉज द मॉडल गोल टू टू बट अगेन डेवलपर्स हैव वेरी लिटिल इंटरेक्शन विद द यूजर। मॉडल इज एसेंशियली इनफ्लेक्सिबल बिकॉज इट अज्यूम दैट सॉफ्टवेयर क्रिएशन हमारे डिसएडवांटेज हैं। इसमें उसके बाद हम देखेंगे इसमें मॉडल के वेरिफिकेशन इन द मॉडल जब हम डायग्राम से हम इसको देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट मॉडल आर्किटेक्चर डिजाइन कंपोनेंट डिजाइन कोड जनरेशन फुल मैच। इसके अंदर हमारी जो आपस में कनेक्टिविटी होती है जो कि आर यूनिट टेस्टिंग से कोड जनरेशन हम कर सकते हैं, ऐसे यूनिट टेस्टिंग से हम कंपोनेंट डिजाइन भी कर सकते हैं। यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम सारी कंबाइन करते हैं टेस्टिंग को, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग करते हैं जो कि आपस में आर्किटेक्चर डिजाइन से कनेक्ट है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी आपकी आर्किटेक्चर डिजाइन से कनेक्ट है। तो ये हम इसके अंदर कर सकते हैं। हम आते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल मॉडल में हम जैसे डायग्राम में देख रहे हैं कि दिस मॉडल इज एडवांटेज टू रिमूव द लिमिटेशन ऑफ द वर्क। तो दिस इज द वेरी गुड थिंग फॉर कि व्हाट इज द एरर्स इन द और व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल वी कैन रिमूव द प्रोटोटाइप। दिस मॉडल इज एडवांटेज remove the limitation of the waterfall model. The basic principle of this model is that it will be prototype built to help in questioning the requirement during the requirement process. Means, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि prototype model firstly is working to detect the problem. यहाँ हम क्या है कि सबसे पहले listen to customer, इसके बाद हम बिल्ड द मॉडल और कस्टमर इवेल्यूएशन। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, दिस इज डेवलप अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल रिक्वायरमेंट विद बेसिकली एज लिमिटेड फंक्शन लो रिलायबिलिटी व्हाइल पासेस टू ऑल स्टेज ऑफ एंड अगेन दिस मॉडल इज यूज्ड बाय डेवलपर गिवन टू यूजर टू व्हिच हेल्प यूजर बेटर अंडरस्टैंड द नीड एंड रिक्वायरमेंट देन फीडबैक फ्रॉम यूजर। हम फीडबैक यूजर से भी हम इसको ले सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या
करना होता है इसके अंदर कि मिशन टू कस्टमर, कस्टमर को सुनना होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होता है, देन वी हैव टू बिल्ड द मॉडल। हमें क्या करना है, मॉडल को बनाना है, मॉडल का प्रूफ बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए, एंड अगेन अगर हमें उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो हम उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मीन्स सबसे पहले अगर हम इसके अंदर जो प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर हम देखते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, फिर हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट प्रोटोटाइप, डेवलपर क्या कर सकता है कंस्ट्रक्शन कर सकता है प्रोटोटाइप मॉडल के। अब उसके बाद क्या होगा, चेक विद यूजर, अगर यूजर ने उसको चेक किया और उसने ओके कर दिया देन बिल्ड द मॉडल, बिल्ड द मॉडल। बट सपोज कीजिए कि प्रोटोटाइप करते समय कंस्ट्रक्शन करते समय प्रोटोटाइप अगर उसमें कुछ डिफाइन करना पड़ गया प्रोटोटाइप में एट द स्टेज ऑफ हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से। अब इसका एडवांटेज क्या है कि देखिए आप प्रोटोटाइप में ये देखिए आप इनिशियल रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर आपकी, तो इनिशियल रिक्वायरमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग के बाद आप क्या कर रहे हैं प्रोटोटाइपिंग बना रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर कुछ मान लीजिए उसमें कस्टमर को कुछ इवेलुएट करना है, कुछ और बोलना है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो डेवलपमेंट में चला जाएगा, फिर टेस्टिंग और देन फाइनल। अगर सपोज कीजिए कि कस्टमर इवेलुएशन चाहता है, कुछ चेंजेस चाहता है, कुछ और रिक्वायरमेंट रीच करना चाहता है, तो रिव्यू एंड अपडेशन एंड दिस प्रोसेस विल बी हेल्ड, एंड देन अगेन डिजाइनिंग एंड प्रोटोटाइपिंग एंड अगेन कस्टमर इवेल्यूशन। अगर कस्टमर इवेल्यूशन नहीं है तो वो कस्टमर सेटिस्फाइड है देन डेवलपमेंट साइड एंड टेस्टिंग। तो दिस इज द प्रोटोटाइप मॉडल। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रोटोटाइप मॉडल का एडवांटेज क्या है, इस एडवांटेज बिटवीन सॉफ्टवेयर डिलीवरी की जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सॉफ्टवेयर डिलीवरी करते समय कि यूजर्स में भी आइडेंटिफाई यूजर्स क्या कर सकता है उसको पहचान सकता है, यूजर्स कैन भी आइडेंटिफाई जो रिक्वायरमेंट्स की अगर उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट उसकी रह गई हो तो देन ही और शी कैन बी अपडेट और मॉडिफाई द मिसिंग फैसिलिटीज एंड फीचर्स में भी फाइंड द नॉन कन्फर्म हार्ड और कंफ्यूजिंग फैसिलिटीज और फैसिलिटीज में भी आइडेंटिफाई। सॉफ्टवेयर डेवलपर में फाइंड द कंप्लीट और इनकन्सिस्ट रिक्वायरमेंट। तो ये आपकी क्या हो सकती है एडवांटेज है इसके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूजर डेवलपर्स कम्युनिकेशन में मेन यूजर रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड सिस्टम्स आर डेवलपर्स फास्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है टाइम कंज्यूम नहीं होता है। इसके बाद हम आएंगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप, द कस्टमर विल वांट अर्ली वर्जन ऑफ द इट मे नॉट हैव गुड क्वालिटी कंसर्न एंड मेंटेन। तो दिस इज द मोस्ट क्या डिसएडवांटेज है इसका कि कस्टमर क्या चाहता है बहुत जल्दी उसको सॉफ्टवेयर को चाहता है न्यू वर्जन चाहता है वो, उस समय उसकी जो क्वालिटी और मेंटेनेंस है दैट इज बहुत बहुत शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम में हो रहा है तो उससे उसको डेवलपर्स को पूरा टाइम नहीं मिल पाएगा। एंड अगेन एज द मॉडल इज टू बी बिल्ट वेरी क्विकली ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ द डेवलपर्स यूजर्स आर इन अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो विच आर अवेलेबल एट द टाइम। ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जिनके क्या करते हैं वो। इसके बाद हम आते हैं स्पायरल मॉडल। तो स्पायरल मॉडल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपकी मॉडल है उनमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है स्पायरल मॉडल। तो स्पायरल मॉडल में अगर हम देखते हैं कि इन 1987 की वॉइम प्रपोज मॉडल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल स्पायरल लाइफ According to the name, the activity of this model are to organize like a spiral. Spiral means इसमें जो आप इसका डायग्राम देखोगे तो दिस इज द स्पायरल। ये जो आपकी ये दिखाई दे रही है जैसे जहाँ से आपने ये इनिशियल स्टार्टिंग किया है स्टार्टिंग एंड दिस इज लाइक एज स्पायरल ये आपने बन रहा है। इसके अंदर जो फेजेज हैं आपकी वो फेजेज क्या है आपकी
प्लानिंग है, फिर मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, डिप्लॉयमेंट है, प्लानिंग के लिए आपको डिवीजन है, कंस्ट्रक्शन है, मॉडलिंग है, रिस्क एनालिसिस है, मॉडलिंग में भी आपको कितना खर्चा होता है, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन का है और आपको मॉडलिंग भी आपको कितना खर्चा होता है, डिप्लॉयमेंट में भी आपको कितना खर्चा होता है, ये आपका प्लान रेडियल लाइन का आपका मॉडल। तो अगेन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, स्पाइरल मॉडल में अगर हम देखें कि प्रोसेस बिगेंस एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो इसके अंदर हम देखेंगे ये अब देखो इनर जो लूप है उसके अंदर जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट टेस्टिंग है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, आउटर लूप में जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं वो प्लानिंग और आपके प्लानिंग मॉडलिंग पार्ट में जो लिखा हुआ है वो आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्रोडक्ट टेस्टिंग है, प्रोडक्ट प्लानिंग है। अगेन अगर हम यहाँ बात करें स्पाइरल मॉडल की, तो स्पाइरल मॉडल की जो कुछ एडवांटेज है डिसएडवांटेज है अगर हम यहाँ पर देखें कस्टमर कम्युनिकेशन प्लानिंग रिस्क एनालिसिस, तो प्लानिंग के अंदर हम क्या देखेंगे कस्टमर कम्युनिकेशन के अंदर क्या देखेंगे, कस्टमर कम्युनिकेशन में हम देखते हैं मीटिंग इज कंडक्टेड कस्टमर एंड डेवलपर टू हैव एन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल डिस्कशन, व्हाइल प्लानिंग आफ्टर दिस कम्युनिकेशन प्रॉपर प्लानिंग इज डन व्हाइल द डेवलपर टू सम क्रूशियल पॉइंट्स लाइक शेड्यूल, लाइक कॉस्ट, रिसोर्सेज, क्वालिटी एंड कॉन्फिगरेशन मैनेजमेंट एंड रिस्क, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो रिस्क एनालिसिस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल, रिस्क इज रिस्क एनालिसिस हैंडल ऑल द रिस्क व्हिच आर प्रेजेंट एनी टाइम। सो रिस्क जो एनालिसिस है उसके अंदर देखते हैं कि देयर इज अ रिस्क दैट द रिक्वायरमेंट आर नेट टू क्रिएट दैट प्रोटोटाइप सिस्टम के लिए करते हैं, मेरी इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं दिस टास्क रीजन रीजन इज यूज बाइंड वन और मोर रिप्रेजेंटेशन आर टू कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज दिस टास्क रीजन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट बेस्ट इंस्टॉल एंड प्रोवाइड यूजर। तो ये हमारी क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है हमारी स्पाइरल मॉडल की क्या है ये हमारी क्या है प्लानिंग हो मॉडलिंग हो अब यहाँ पर इसके भी कुछ एडवांटेज हैं कि स्पाइरल मॉडल में हम क्या देखते हैं और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिकेट दैट सॉफ्टवेयर नेक्स्ट इट इज द रियलिस्टिक रियलिस्टिक अप्रोच। अब यहाँ पर मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल रिस्क एनालिसिस, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि चाहे वो डेवलपर साइड हो चाहे वो सिस्टम एनालिसिस हो वो सभी क्या करते हैं इसमें रिस्क फैक्टर को पहले से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ ये हमारा जो मेन वो करता है कि रिस्क एनालिस्ट विल ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क अराइजिंग एंड प्रोटोटाइप कैन बी यूज्ड एज रिस्क रिडक्शन मेथड। तो अगेन हमारे इसके भी स्पाइरल मॉडल के भी डिसएडवांटेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी हार्ड टू सेटिस्फाई द कस्टमर क्योंकि हमारे पास क्या है ज्यादा हो जाती है बट ये क्या है रिस्क को कवर करता है हमारे लिए जो टाइम को डिफरेंस करते हैं इसके अंदर वो अगर हम स्टडी कर लेते हैं इसके क्वेश्चन की भी क्योंकि अभी हम डिवीजन मोड में चल रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं स्पाइरल मॉडल का हो चाहे आपका बटरफॉल मॉडल का हो चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हो तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जैसे हम सिंपली अगर हम पूछना चाहें तो बता सकते हैं वेरियस फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक इस तरीके का बन सकता है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इस तरीके से बन सकता है। तो
अगेन ये भी बन सकता है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द वाटरफॉल HWDLC एंड प्रोटोटाइप मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में, प्रोटोटाइप मॉडल में वो हम दो डिफरेंस ही दिखा सकते हैं, इसमें ये भी हम बता सकते हैं। अब यहाँ हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे आपका डॉग स्पायरल मॉडल है, आपका रेड मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, वाटरफॉल इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है, ये हम डिफरेंट अगर इसी में से हमारे क्वेश्चन शॉर्ट नोट पे भी आ जाते हैं कि HWDLC फिजिक्स को एक्सप्लेन करो, या हम कह सकते हैं इसके अंदर HDLC को डिफाइन करिए आप, तो ये हमारे क्या है इसके क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, HWDLC हो चाहे HDLC हो चाहे वाटरफॉल मॉडल हो चाहे आपका स्पाइरल मॉडल हो चाहे वो प्रोटोटाइप मॉडल, ये जो मेनली जो क्वेश्चन हैं यहाँ इन से ही बनते हैं। जैसे एक्सप्लेन द वाटरफॉल लाइफ साइकिल मेथड्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिसएडवांटेज, डिफाइन द स्पाइरल मॉडल सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, वेरियस स्टेप्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल, डिसएडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल, तो ये हमारी क्या है कुछ क्वेश्चन हैं आते हैं। इटरेटिव मॉडल इज डेवलप टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ वाटरफॉल, यहाँ पर वाटरफॉल मॉडल के जो एनोमलीज हैं या फिर लिमिटेशंस हैं उनका थोड़ा कम किया जाता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ वाटरफॉल मॉडल, तो दिस इज द जो बेनिफिट चाहे वो वाटरफॉल मॉडल का हो या प्रोटोटाइप मॉडल का हो, वेरी पॉपुलर मॉडल है, ये इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा यूजफुल भी होगा। This model software is developed in each increment has some specific capability in the system based on the system. Now we are most important to know the software development that we have to know the increment here of our increment and this function is add on. It provides better testing after each of testing or देखिए टेस्टिंग बेसिकली है क्या है, टेस्टिंग को हम जब डिफाइन करते हैं तो टेस्टिंग के अंदर जितनी भी आपकी एरर्स हैं वी हैव टू फाइंड द एरर, टेस्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी हैव टू फाइंड द एरर। अब जब हम एरर को फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पर बेटर तरीके से अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारी क्या है कोई भी एरर वाला हम आते हैं प्रोवाइड बेटर टेस्टिंग आपको इस एस कंपनी और मॉडल एंड अगेन दिस मॉडल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इज डेवलप टू इंप्रूव दिस इज द डायग्राम ऑफ द मॉडल। सो नाउ वी आर कमिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट SRS, SRS इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ वाटर सिस्टम डेवलपमेंट स्टेट, SRS इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजीनियरिंग ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, SRS स्टैंड कर रहा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। अब SRS बुक स्कूल बहुत रिक्वायरमेंट सिस्टम, आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है इसको हम SRS में SRS भी जैसे बाद में सॉफ्टवेयर विल बी ऑन विदिन एक्सपेक्टेड का परफॉर्म, तो जो भी बताएं ये SRS जितना अच्छा होगा उतना ही आपका क्या होगा सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। अगर SRS में कोई आपने कभी कोई भी कमी हो यदि कि सॉफ्टवेयर देगा अपना मॉडिफिकेशन ऑफ दिस ये आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी अच्छा है SRS का बनता है जब प्रूफ क्या हो कंप्लीट हो कंसिस्टेंसी ना हो कंसिस्टेंट हो और उसके अंदर अनएम्बिगियस और ये सारी प्रॉपर्टी तभी हम अच्छा है ऐसा ओके स्टूडेंट थैंक।